नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी वासियों की निगाहें अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। लेकिन अभी से ही हर ओर से चर्चा शुरू हो गई है कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होगा। सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक विपक्ष विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बना सकता है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखने को मिल गई थी। लेकिन विपक्ष की इस रणनीति को फेल करने के लिए एनडीए सरकार के सबसे अहम सहयोगी टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक नया दांव चल दिया है जो जाति जनगणना से जुड़ा है, जिसमें देश में एक नए सियासत को जन्म दे दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जाति जनगणना और आरक्षण, पिछले एक दशक में देश की सियासत में इन दो शब्दों की सबसे ज्यादा बात हुई है, खासकर चुनाव के समय। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में विपक्ष ने शानदार प्रदर्शन किया है, खासकर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में। सियासी दिग्गजों ने भी माना कि इस प्रदर्शन के पीछे आरक्षण का मुद्दा खूब चला, जिसे लेकर सपा कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए और जनता को अपने भरोसे में लिया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस अपील का असर यह हुआ कि यूपी में सपा 37 सीटों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई। आरक्षण से ही जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है, वो है जाति जनगणना, जिसकी मांग विपक्ष हमेशा करता है और चुनाव के समय तो खास तौर पर। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष जाति जनगणना के सहारे ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाएगा। लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने इंडी गठबंधन के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि समय की मांग है कि जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना हो, इसकी ज्यादा जरूरत है। केंद्र की एनडीए सरकार में अहम भूमिका निभा रहे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में अपने प्रदेश में स्किल सेंसस यानी कौशल जनगणना कराने की बात कही है। नायडू का कहना है कि इस जनगणना से हमारे वर्कफोर्स की कैपेसिटी और खामियों को हम उजागर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आंध्र के सीएम की इस पहल से मानव संसाधन का इस्तेमाल सही पैमाने पर किया जाएगा। जब से चंद्रबाबू नायडू ने यह अहम बयान दिया है, तभी से देश में हर ओर नायडू की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। लोग इसकी तारीफ में पुल बांध रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे आंध्र प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर नायडू की ये योजना वाकई में रंग लाती है तो इस तरह की जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। पिछले कुछ सालों में नेताओं के द्वारा हर ओर जाति जनगणना, धर्म आधारित जनगणना कराने की बात हो रही है, इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की यह पहल बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती है। सियासी पंडित भी मानते हैं कि फैसला पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है, क्योंकि अभी तक खुले तौर पर किसी बड़े नेता ने देश में इस तरह की बड़ी बात नहीं कही है। भारत की कुल आबादी का 65% हिस्सा युवाओं का है, जिनकी उम्र 35 साल के नीचे है। देश में डिग्री धारकों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन कई युवा नौकरी के लिए फिट नहीं माने जाते हैं और इसके पीछे का कारण उनके स्किल में कमी बताई जाती है। इसलिए कौशल के मामले में भारत की स्थिति मिली जुली है। देश की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हालांकि भारत में बहुत बड़ी तादाद में युवा आज बेरोजगार हैं। लाखों लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन नौकरियों के लिए जरूरी स्किल यानी कौशल की कमी है, जो एक गंभीर विषय है। इन तमाम बातों को चंद्रबाबू नायडू के कौशल जनगणना से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे एक बहुत ही शानदार और बड़ा कदम बताया जा रहा है। हालांकि इसका परिणाम तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि देश में आंध्र प्रदेश के इस फैसले का क्या असर होगा। विपक्ष चंद्रबाबू नायडू के कौशल जनगणना को लेकर अपना पक्ष क्या रखेगा, कैसे रखेगा? क्या वो इस योजना का विरोध करेगा और अपनी पुरानी मांग यानी जाति जनगणना की ही बात पर डटा रहेगा और इसी के सहारे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में दमखम दिखाएगा, जिसकी पूरी संभावना है, या फिर वो कौशल और जाति जनगणना दोनों कराने की मांग करेगा? लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष के लिए कौशल जनगणना का विरोध करना संभव नहीं होगा, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत में आर्थिक आधार पर जनगणना और आरक्षण की बात करता है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना के बदले क्या कौशल जनगणना की मांग होगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।
फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।